वेलकम टू दीपिकास टेरेस गार्डन। विंटर जा चुका है और गर्मियां अपना असर दिखाने लगी है गार्डन में। हम सबका मन करता है कि पूरी गर्मियों में भी गार्डन में फूल खिलते रहें। आज मैं आप लोगों के साथ एक इस तरीके के पौधे के बारे में बात करने वाली हूं, जिसमें आप पूरा साल, कम से कम साल में दो बार फ्लावरिंग का मज़ा ले सकते हैं और आपके गार्डन में ये एक हिस्से को बेहद खूबसूरत बना सकता है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस बेहद खूबसूरत फूल का नाम है मालवा सिल्वेस्ट्रस। जीनस है मालवा, फैमिली है मालवेशिया और नेटिव है वेस्टर्न यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका और एशिया। साथ ही इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ की वजह से अब ये पूरे वर्ल्ड में उगाया जाता है। इसके बेहद कॉमन नेम है जैसे क्रिपिंग चार्ली, मेलो, जेबरीना, जेबरीना हॉली हॉक और सबसे कॉमन नाम है मालवा। माउंट आबू के पीस गार्डन में मैंने फर्स्ट टाइम देखा था मालवा को। तब से मेरी चाहत थी इसे अपने गार्डन में उगाने की। इसे सीड से उगाया जाता है ये जान लेने के बाद मैंने भी इस साल इसे अपने गार्डन में लगाया है सीड से ही। आप इस पौधे को देख रहे हैं, ये एक सिंगल पौधा है मालवा का जिस पे इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसे उगाया कैसे। अगस्त से लेकर फरवरी के बीच में आप इसके पौधे को सीड से कभी भी जर्मिनेट कर सकते हो। सीड से जर्मिनेशन किए हुए पौधे बहुत हेल्दी और अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। इस दौरान आपको क्या करना है, मैंने कोकोपीट और सैंड का मिक्सचर बना के इसके 7 से 8 सीड एक कंटेनर में स्प्रेड कर दिए थे। जिस तरीके की मेरी सीडलिंग वाली मेथड होती है बिल्कुल उसी तरीके से इसके सीड जर्मिनेट हुए 7 दिनों के अंदर। धीरे धीरे करके कुछ पौधे बाहर आए। शुरुआती दौर में उनकी ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा स्लो थी। ये गर्मी में फ्लावरिंग करने वाला पौधा है गाइस, इसे सनलाइट बहुत पसंद होती है, तो जर्मिनेशन के दौरान इनकी ग्रोथ भी बहुत स्लो होती है क्योंकि उस वक्त विंटर शुरू होता है। आप इमेजेस में देख सकते हैं कि ये पौधे काफ़ी छोटे थे और इस स्टेज तक पहुँचते पहुँचते उन्हें 1.5 से 2 महीने का वक्त लग गया। फिर धीरे धीरे ग्रोथ हुई और शुरुआत हुई फ्लावरिंग की। मालवा को बेनियल प्लांट भी कहते हैं और पेरेनियल भी। सही केयर होने के साथ अगर फ्लावरिंग ऑफ हो जाए और हम सही समय पे इसकी प्रूनिंग करने के साथ ही थोड़ी बहुत केयर ले लें तो ये पौधा आपको 2 बार फ्लावरिंग दे सकता है, एक ही सीज़न में और बाद के सीजन्स में भी। अलग अलग समय पे अलग अलग सीड जर्मिनेशन के थ्रू हम इस पौधे को अपने गार्डन में लगा सकते हैं। अगर आपने अगस्त से लेकर फरवरी के दौरान इसे लगाया है तो आपको ये पौधा पूरी गर्मियों में फ्लावरिंग देगा। इसके बाद सीड कलेक्ट कर लीजिए और बारिश के दिनों में इसे फिर से लगा दीजिए। पुराने पौधे में भी जर्मिनेशन हो सकती है और नए सीड से पौधे में भी फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। विंटर में इसके फूलों में फूल कम खिलते हैं क्योंकि इन्हें सनलाइट बहुत पसंद होती है। इनकी अच्छी फ्लावरिंग के लिए आपको इसे अच्छी सनलाइट देनी होती है। ठंडी जगहों में विंटर के दौरान ये फ्लावरिंग नहीं करते और इनकी डेवलपमेंट भी बहुत कम होती है, पर जिन जगहों पर अच्छी सूरज की रोशनी आती है विंटर के दौरान भी वहाँ पर ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग शुरू कर देते हैं। इसे आप कटिंग से जर्मिनेट कर सकते हैं पर गर्मियों के दौरान बिल्कुल भी नहीं। आपको मैं कहूँगी अगस्त से लेकर फरवरी तक आप इसे कटिंग से कभी भी लगा सकते हो। ये पौधा कटिंग से बहुत जल्दी लग जाता है। इसके पत्ते काफ़ी हद तक भिंडी जो होती है ओकरा फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट रियल में ये वो नहीं है। हॉलीहॉक फैमिली से बिलोंग करते हैं जेबरीना और काफ़ी हद तक उन्हीं के जैसे फूल और उन्हीं के जैसे कलियाँ, उन्हीं के जैसे पत्ते और उन्हीं की तरह है होती है इनकी ग्रोथ। मैंने इसे एक रेस्ड बेड पैटर्न वाले कंटेनर में लगा रखा है। गाइज आप जानते हैं मैं ज़्यादातर वेस्ट मटेरियल्स को अपने गार्डन में इस्तेमाल कर लेती हूँ फेंकने के बजाय, और ये कंटेनर मैंने किस तरीके से तैयार किया है इसका मैंने वीडियो भी बताया है अपने चैनल पे। जो पानी की टैंक होती है उसे कट करके मैंने इन रेस्ट बेड टाइप के कंटेनर्स को रेडी किया है और इसी में मैंने अपने इस पौधे को लगाया है। 4 पौधे फाइनली रेडी हुए थे जिनमें से एक ही पौधा लास्ट में बचा है। स्टार्टिंग के 3 पौधों में वायरस अटैक हुआ, मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन वो ख़त्म हो गए। मैंने अपने गार्डन में इनको फर्स्ट टाइम ग्रो किया है तो इनको पूरी तरीके से जज करने में मुझे समय लग गया और मैं उन्हें बचा नहीं पाई, बट फाइनली मुझे ये एक हेल्दी पौधा अब मिल चुका है। मालवा के फूल और पत्ते मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, बट इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये मुझे नहीं पता। इसके लिए आपको किसी एक्सपर्ट की एडवाइस देनी होगी। अगर आपके भी गार्डन में मालवा के ये खूबसूरत पौधे हैं तो इसका यूज़ होता है मेडिसिनल यूज़ के लिए, पर किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं इसका मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। आप इसे लगाने के लिए
नॉर्मल सॉइल रेडी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कंटेनर कोई भी आप ले सकते हो, ये मीडियम साइज़ कंटेनर से लेकर ग्राउंड में आराम से उग जाते हैं। ग्राउंड में इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है कंटेनर के मुकाबले। अब इसकी सॉइल बनाएंगे कैसे? गाइज, मैंने एक नॉर्मल सॉइल रेडी की थी, जैसा कि मैं अपने सभी पौधों के लिए रेडी करती हूँ विंटर में। उसमें मैंने कंपोस्ट का पोर्शन 40% रखा था। इस सॉइल में काफ़ी हद तक लीफ की सूखी पत्तियाँ और सैंड के साथ गार्डन की सॉइल मिक्स है। कंपोस्ट मैंने अलग से मिक्स किया था मिट्टी में और फिर इन पौधों को इसमें लगाया था। तो आप स्क्रीन पर जो मैं आपको रेशियो दे रही हूँ उस रेशियो में भी सॉइल रेडी करके इस पौधे को लगा सकते हैं। इनके सीड भी बनने शुरू हो गए हैं। ये पौधा अब फ्लावरिंग पे है, फुल फ्लावरिंग पे। नीचे की तरफ से कुछ छोटे छोटे सीड्स इसके बनने शुरू हुए हैं। मैं आपको वीडियो में वो सीड्स भी दिखाऊंगी कि किस तरीके के होते हैं इनके सीड। मालवा को फुल सनलाइट बहुत पसंद होती है गाइज। अगर आप चाहते हैं कि हेल्दी फ्लावरिंग करे ये पौधा, तो इसे आपको ऐसी जगह लगाना है जहाँ इसे अच्छी 7 से 8 घंटों की सनलाइट मिले, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हम गुलाब के पौधे के लिए सनलाइट रेडी करते हैं। ये देखिए, ये फूल जो आपको दिख रहे हैं जिनमें येलो कलर का कैप दिख रहा है आपको, ऊपर का फ्लावर ऑफ हो गया है और नीचे रेडी हो रहे हैं इनके सीड। चलिए मैं आपको और थोड़ा पास से दिखाती हूँ। ये सीड पॉड है जो बनकर रेडी है। इसका फूल सूख चुका है और ये सबसे पहला सीड पॉड मुझे इस प्लांट पर नज़र आ रहा है। बाकी के काफ़ी सारे फूल मुरझा गए हैं पर उनमें पॉलिनेशन नहीं हुआ, सीड डेवलप नहीं हुए। रिंग का शेप लेते हुए इसके सीड डेवलप होते हैं। ये देखिए, ये है सीड पॉड। इसमें मुश्किल से 7-8 सीड होंगे पर काफ़ी छोटे लग रहे हैं। नॉर्मली इसका जो सीड पॉड होता है वो थोड़ा और बड़ा होता है। ये सब कुछ अच्छी सॉइल और अच्छे ग्रोथ पर, अच्छी केयर पर डिपेंड करता है कि आप कितना हेल्दी पौधा बना पाते हैं अपने गार्डन में। चलिए गाइज, ये सीड पॉट तो मैं हार्वेस्ट करके स्टोर करूँगी क्योंकि मुझे नेक्स्ट ईयर फिर से इसे उगाना है अपने गार्डन में। फुल सनलाइट के साथ मेरा ये प्लांट दिन भर की रोशनी पाता है और मैं इसकी सॉइल मॉइस्ट रहे इस बात का हमेशा ध्यान रखती हूँ। इसकी मिट्टी में नमी हमेशा बनी रहे इस बात का मुझे ध्यान रखना होता है क्योंकि ये रेस्ट बेड के अंदर लगा हुआ है काफ़ी सारे दूसरे पौधों के साथ, तो पानी की कमी बिल्कुल ना हो पाए जिससे कि ये फूल ना मुरझाए, इस बात का मैं ध्यान रखती हूँ। मैंने अभी तक इस पर कोई पेस्टिसाइड या किसी तरीके का कोई स्प्रे नहीं किया। इसके कुछ पत्ते कटे फटे हैं, वो इसीलिए है क्योंकि मेरे गार्डन में ग्रास हॉपर्स हैं, कुछ मोथ्स हैं, बटरफ्लाइज के बच्चे जो होते हैं वो हैं लार्वे उनके, तो वो सब इन पौधों को खाते हैं और मैं उन्हें रोकती नहीं क्योंकि काफ़ी हद तक ये एक इकोसिस्टम को परफेक्ट करने के लिए ज़रूरी भी है। कुछ पत्तों को वो डैमेज भी कर चुके हैं और कुछ फूलों को भी, पर इतना नुकसान तो काफ़ी है उनकी अच्छी ग्रोथ के लिए। बटरफ्लाइज आएंगी नहीं तो पॉलिनेशन करेगा कौन? और क्योंकि मेरे गार्डन में इन सबका स्वागत मैं बहुत खुशी से करती हूँ, तो मैंने अब तक तो इस पर कोई पेस्टिसाइड का स्प्रे नहीं किया। विदाउट एनी स्पेशल केयर मालवा बहुत हेल्दी तरीके से मेरे गार्डन में ग्रो कर रहा है और इस वक्त ये पौधा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी फुल ब्लूम पर है। मैंने इमेजिन नहीं किया था कि ये पौधा इतना खूबसूरती से ब्लूम करेगा, जबकि मैंने इसके पीछे कोई स्पेशल केयर नहीं ली। मुझे लगता है कि सबसे ईजीएस्ट लाइक डैंथस सबसे ईजीएस्ट ग्रोइंग फ्लावरिंग प्लांट है ये। अगर आप भी इसे अपने गार्डन में लगाना चाहेंगे तो इसे अपने लिस्ट में ज़रूर शामिल कीजिएगा। ये सीज़न नहीं है इसे ग्रो करने का, लेकिन आप इसके सीड को बारिश के दौरान भी लगा सकते हैं। बस उस वक्त आपको ध्यान ये रखना होगा कि इसकी सीडलिंग एकदम डायरेक्ट रेन बारिश के कॉन्टैक्ट में ना आए, क्योंकि शुरुआत में सीडलिंग काफ़ी नाजुक होती है, उसे बचाना काफ़ी ज़रूरी होता है। काफ़ी सारी बर्ड्स भी आप लोग को इस वक्त दिख रही हैं मेरे इस पौधे पर। ज़ेब्रिना में, हॉली हॉक फैमिली में काफ़ी सारे दूसरे रंग के फ्लावर भी आते हैं, पर मालवा सिल्वेस्ट्रिस का ये एक सिंगल कलर ही है जो कि ऐसा ही उगाया जाता है। सो गाइज, मुझे लगता है कि मैंने आपसे आज के वीडियो में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की है मालवा के बारे में। आप लोगों का क्या ख्याल है? प्लांट की अच्छी ग्रोथ होने के साथ ही मैंने अपने पौधे में 2 से 3 बार जीवामृत लिक्विड का भी इस्तेमाल किया और रिजल्ट आप लोगों के सामने हैं। विंटर के अपने दूसरे पौधों की तरह ही मैंने अपने मालवा के पौधे को ग्रो किया है गाइस, किसी स्पेशल केयर के बिना। काफ़ी आसानी से ये पौधा हम अपने गार्डन में उगा सकते हैं और इसके फ्लावरिंग को एंजॉय भी कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और ये इन्फॉर्मेशन भी।
चैनल पे जो लोग नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए हमारा वीडियो और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।